अपने गुजारे के लिए जानवरों को तो आपने शिकार करते देखा होगा, मगर इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली ऐसी एक घटना केरल के इडुकी जिले से सामने आई है, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यहाँ करीब 5 लोगों ने मिलकर एक 6 साल के तेंदुए का शिकार किया। इतना ही नहीं, उन्होंने इसे पकाकर उसका मीट खाया और बाद में बची उसकी हड्डियों, नाखून और खाल समेत दूसरी चीजों को बेचने की तैयारी कर रहे थे। ये 5 लोग जानवरों की खाल और दूसरी चीजें बेचकर मुनाफा कमाना चाहते थे। इसी के चलते उन्होंने जाल बिछाकर तेंदुए को अपना शिकार बनाया। इन आरोपियों ने अपने घर के पास खेत में लगभग 100 मीटर का जाल बिछाया था, जिसमें तेंदुआ फंस गया। उन्होंने उसे मारकर पकाया और उसका मीट खाया। बताया जाता है कि तेंदुआ का वजन लगभग 50 किलो था। पुलिस को आरोपी के घर से 10 किलो तेंदुए का मांस भी बरामद हुआ है। उन्होंने तेंदुए की हत्या करने के बाद उसके दांत, नाखून और खाल को अलग कर लिया था, जिससे वो इसे आसानी से बाजार में बेच सके। यह घटना 20 जनवरी को इडुकी जिले के मनकुलम क्षेत्र की है। अब इस घटना से हक्के बक्के वन अधिकारियों ने बताया कि यह इस तरह की पहली अनोखी घटना है जहां तेंदुए को ही मारकर खा लिया गया। वन अधिकारियों को पहले लगा कि जंगली सुअर के लिए यह जाल बिछाया गया था, लेकिन दुर्घटनावश तेंदुआ फंस गया। लेकिन बाद में गिरफ्तार किए गए लोगों ने बताया कि उन्होंने तेंदुए को फंसाने के लिए एक बड़ा सा जाल लगाया था, क्योंकि यह तेंदुआ उनकी पालतू जानवरों और मवेशियों का शिकार कर रहा था, जिसके चलते इन लोगों ने इसी को अपना शिकार और भोजन बना लिया।